हेलो फ्रेंड्स, आई एम भानी राम डाल। वेलकम इन ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, आज अपने जो क्विज है उसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान का परिचय। जैसे कि लास्ट जो अपनी क्विज थी, 10 नंबर जो क्विज थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू हॉर्टिकल्चर, और अगला जो 23 को अपना टॉपिक रहेगा वो भी अपना इंट्रोडक्शन टू हॉर्टिकल्चर ही रहेगा। टाइम 9 PM का रहेगा, मैंने यहाँ पे 10 PM दे रखा है, ठीक है, 9 PM का होगा और टॉपिक सेम ही रहेगा, क्योंकि आपको ही पता है इंट्रोडक्शन की कोई लिमिटेशन तो नहीं है हॉर्टिकल्चर में, या एनिमल हस्बेंड्री या एग्रीकल्चर, तो बहुत सारी चीज़ें आती है। फिर भी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं अपने उनको कवर करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके एग्जाम में आपको बेनिफिट मिले। ऑलमोस्ट ये मान के चलिए अगर अपने ये पूरी क्विज पूरी कर देते हैं और आप इसको साथ साथ में देखते रहते हैं और साथ साथ में इस क्विज को ज्वाइन करते रहते हैं, तो ये मान के चलिए कि जिन टॉपिक से मैं क्विज करवा रहा हूँ उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना यहाँ पे, विच फ्रूट इज कॉन्ट्रीब्यूट मैक्सिमम एरिया इन इंडिया, यानी कौन सा ऐसा फल है जिसका भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, फ्रूट का जो टोटल एरिया उसमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है। ऑप्शन ए है बनाना यानी केला, बी ऑप्शन है मैंगो, सी ऑप्शन है पपाया और डी ऑप्शन है एप्पल। तो बताइए आप इसमें से जो राइट आंसर है वो क्या होगा, यहाँ पे कौन सा जो फ्रूट है उसका भारत में सबसे ज्यादा एरिया है। तो फटाफट क्विकली आंसर कीजिए और फिर जो मैं आंसर बता रहा हूँ उसके साथ मैच करिए, आपका स्कोर क्या रहता है लास्ट में वो भी आप चेक करिए। तो देखो, इसका जो राइट आंसर है वो मैंगो है। भारत में जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है फलों के अंतर्गत वो आम का है, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें, विच फ्रूट इज हैज मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इन इंडिया, देखो ऐसा कौन सा फल है जिसकी सबसे ज्यादा उत्पादकता है भारत में, सभी फलों में सबसे ज्यादा उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। उत्पादकता क्या होती है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, पर यूनिट जो प्रोडक्शन होता है अपने उसको प्रोडक्टिविटी यानी प्रति इकाई जो उत्पादन होता है, प्रति बीघा, प्रति हेक्टर, प्रति एकड़, प्रति किला, है ना, तो उसके हिसाब से जो उत्पादन, तो प्रति इकाई यानी पर यूनिट सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है वो कौन से फ्रूट का होता है उसको अपने प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। ऑप्शन ए है बनाना, बी ऑप्शन है मैंगो, सी ऑप्शन है पपाया और डी ऑप्शन है एप्पल। ए ऑप्शन है बनाना यानी केला, बी ऑप्शन है मैंगो यानी आम, और सी ऑप्शन है पपाया यानी पपीता, और डी ऑप्शन है एप्पल यानी सेब। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा, क्विकली आंसर कीजिए और फिर जो मेरा आंसर है उसके साथ मैच करिए आप। देखो इसका राइट आंसर है पपाया। भारत में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी है वो पपाया की है, सी ऑप्शन राइट है। फर्स्ट का बी ऑप्शन राइट है, सेकंड का सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन इंग्लिश में दिया लेकिन मैं साथ साथ में आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ आपको डेटा बताता हूँ। देखो एरिया वाइज अगर कोई फ्रूट देखेंगे तो अपने सबसे ज्यादा एरिया है भारत में फ्रूट के अंतर्गत, फलों के अंतर्गत आम का। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन सबसे ज्यादा बनाना का है, फलों में सबसे ज्यादा अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो प्रोडक्शन है वो बनाना का है। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी जो है वो सबसे ज्यादा किसकी है, प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा पपाया की है, फर्स्ट नंबर पे पपाया की और सेकंड नंबर पे बनाना की है, ठीक है। एरिया में फर्स्ट भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि पे फलों में पहला आम है, दूसरा केला है। उत्पादन में जो पहला है, उत्पादन के अंदर जो पहला है वो है अपना केला, जो कुल उत्पादन का। देखो सबसे पहले मैं एक एक आपको बताता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंगो है, मैंगो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पहला फ्रूट है। ये कुल फलों के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है उसका 34.7% शेयर करता है, 34.7% शेयर करता है, और प्रोडक्शन में 22.4 करता है, जो केले के बाद दूसरे नंबर पे। देखो बनाना की बात करूं तो बनाना जो है वो उत्पादन में पहले नंबर पे है, और ये कुल जो उत्पादन होता है फलों का उसका 31.6% शेयर करता है। और अगर मैं बात करूं एरिया में, तो एरिया में दूसरे नंबर पे आप देखो 15.5% शेयरिंग है इसके, पहले नंबर पे एरिया में कौन है, आम है। ऐसे ही मैं पपीता की बात करूं तो पपीता है वो उत्पादकता में क्या है, फर्स्ट पोजीशन पे, और दूसरे नंबर पे जो उत्पादकता में है वो कौन सा है, केला। बाकी आप टेबल देख सकते हो, देखो ऊपर मैंने दे रखा है एरिया, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, प्रतिशत एरिया में कितना प्रतिशत शेयर करता है, और प्रोडक्शन के अंदर यानी उत्पादन में कितना शेयर करता है, तो आप इस टेबल को ढंग से देख सकते हैं, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने क्वेश्चन पूछा था उसी हिसाब से मैंने बता दिया। बाकी इसमें एरिया, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, परसेंटेज शेयर इन एरिया, परसेंटेज शेयर इन प्रोडक्शन दिया हुआ है, आप इसको अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है, विच वेजिटेबल इज कॉन्ट्रीब्यूट मैक्सिमम एरिया इन इंडिया, मतलब ऐसी कौन सी सब्जी है जिसका सब्जियों के अंतर्गत भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है।
देखो यहाँ देखें तो ऑप्शन ए है पोटेटो यानी आलू, बी ऑप्शन है अनियन यानी प्याज, सी ऑप्शन है टोमेटो यानी टमाटर और डी ऑप्शन है ब्रिंजल यानी बैंगन। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। ब्रिंजल को एक प्लांट भी बोल दिया जाता है ना, तो क्विकली आंसर कीजिए आप और उसके बाद जो मेरा आंसर है उसके साथ भी मैच करिए। सब्जियों में सबसे ज्यादा एरिया जो है वो कौन सी सब्जी का है? देखो राइट आंसर है ए ऑप्शन यानी पोटेटो का है, ठीक है। आलू का सब्जियों के अंतर्गत भारत में सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो आलू का है। नेक्स्ट अपने बात करें विच वेजिटेबल ही इज हैज मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इन इंडिया, ऐसी कौन सी सब्जी है जिसकी उत्पादकता भारत में सबसे ज्यादा है, जितनी भी सब्जियां उनमें सबसे ज्यादा पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन यानी प्रति इकाई उत्पादन है वो सबसे ज्यादा कौन से का होता है। यहाँ ए ऑप्शन है पोटेटो यानी आलू, बी ऑप्शन है अनियन यानी प्याज, सी ऑप्शन है टोमेटो यानी टमाटर और डी ऑप्शन है टेपोइका जिसको अपने कसावा बोल देते हैं। उत्पादकता सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी के इन चारों, फटाफट आंसर कीजिए, क्विकली आंसर कीजिए। देखो राइट आंसर है डी, सबसे ज्यादा जो उत्पादकता है वो टेपोइका यानी कसावा की है, तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, ग्रोथ रेट ऑफ हॉर्टिकल्चर इज, भारत में जो पिछले साल है वो 2017-18 की बात करूं तो मैं यानी पिछले साल का मतलब जो हमारे पास डेटा होता है वो अपने पास जो होता है वो 2017-18 का होता है, फाइनल जो डेटा होता है, ठीक है। तो उसकी जो ग्रोथ यानी अभी 2020 में है, दो साल पहले का फाइनल डेटा होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमेशा बात की जाती है। तो उद्यान विज्ञान की जो वृद्धि दर है वो भारत में कितनी है, कुल उद्यान विज्ञान जिसमें फल सब्जियां रोपित फसलें मसाले औषधियां सब आ जाएगी। ए ऑप्शन है 3.7, बी ऑप्शन है 4.8, सी ऑप्शन है 3.5 और डी है 16.4 प्रतिशत में है सारी। तो वृद्धि दर कितनी है भारत में, उद्यान विज्ञान के अंतर्गत वृद्धि दर कितनी है, फटाफट क्विकली आंसर कीजिए, चार ऑप्शन आपके सामने है। देखो उद्यान विज्ञान की जो वृद्धि दर है वो है 3.7%, कितनी है 3.7% है। नेक्स्ट है ग्रोथ रेट ऑफ फ्रूट इज, भारत में फलों के अंतर्गत वृद्धि दर कितनी है, भारत में फलों के अंतर्गत वृद्धि दर कितनी है। देखो यहाँ पे ए ऑप्शन है 3.7, बी ऑप्शन है 4.8%, सी ऑप्शन है 3.5% और डी ऑप्शन है 16.4%। तो फलों के अंतर्गत वृद्धि दर कितनी है, देखो हमने पीछे बात की उद्यान विज्ञान की कुल तो है 3.7, लेकिन फलों के अंतर्गत वृद्धि दर कितनी है? देखो फलों के अंतर्गत जो वृद्धि दर है वो 4.8% है, बी ऑप्शन राइट है। और उद्यान विज्ञान की जो वृद्धि दर है उसमें सबसे ज्यादा फिलहाल वृद्धि थी पिछले डेटा के हिसाब से तो वो फलों में ही थी, वो 4.8 थी, ठीक है। अब देखो उसके अलावा फ्लावर्स में भी थी, ठीक है, तो सॉरी फ्लावर्स में ज्यादा थी, उसके बाद सेकंड नंबर पे फलों में थी, ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखें अपने फ्रूट में उत्पादन में 4.8% है, सब्जियों के उत्पादन में 3.5% वृद्धि दर है, फूलों में है वो 16.4% है, वहीं सुगंधित फसलों में वृद्धि घटी है -10.8% आई है, ये उत्पादन की वृद्धि दर है। और रोपित फसलों में 0.6% वृद्धि दर थी, वहीं पे अगर अपने मसालों में बात करें तो वृद्धि दर थी 0% के लगभग थी, ये उत्पादन की बात है, ठीक है, उत्पादन में ये वृद्धि दर देखने को मिले। और कुल उद्यान विज्ञान के उत्पादन में 3.7% वृद्धि दर देखने को मिले। एरिया में अगर अपने देखें तो एरिया में जैसे जो फल है तो उनकी जो वृद्धि दर है वो 2.1% है, सब्जियों में जो वृद्धि दर है वो 0.2% है, फूलों में एरिया में यानी क्षेत्रफल में जो वृद्धि दर है वो 5.8% है, सुगंधित फसलों में जो वृद्धि दर है वो 8.4% है, रोपित फसलें हैं उनके अंदर जो वृद्धि दर है वो 4.1% है, और मसालों में जो वृद्धि दर है क्षेत्रफल में वो 5.6% है। और कुल जो अपने एरिया में देखें उद्यान विज्ञान के तो कुल जो एरिया है उसमें वृद्धि दर देखने को मिली अपनी 2.3। यहाँ पे देखो आप रोपित फसलें और मसालों के क्षेत्रफल में तो अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, जो सुगंधित फसलें हैं उनके भी मतलब एरिया है उसमें बढ़ोतरी हुई आप देख सकते हो, इनमें एरोमेटिक क्रॉप का मतलब है सुगंधित फसलें तो इनके एरिया में बढ़ोतरी हुई है, रोपित फसलों के एरिया में भी बढ़ोतरी हुई है और मसालों के एरिया में भी बढ़ोतरी हुई है। बट यहाँ पे जो सुगंधित फसलें हैं उसमें उत्पादन में वृद्धि घटी है, ये सोचने वाली बात है। यहाँ पे रोपित फसलों में जितना एरिया बढ़ा है उसकी तुलना से उत्पादन नहीं बढ़ा, ये भी सोचने वाली बात है, और मसालों में एरिया बढ़ा है लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ा, यहाँ पर भी विचार करने वाली बात है। तो ये अलग अलग जो सेक्टर है उद्यान विज्ञान के, इनमें वृद्धि दर, और सबसे ज्यादा वृद्धि दर फ्लावर्स में है यानी फूलों में, और दूसरे नंबर पे फलों में,
सबसे ज्यादा फ्लावर्स में है और दूसरे नंबर पे फलों के अंदर वृद्धि दर देखने को मिली। नेक्स्ट मैं बात करूं लीडिंग स्टेट इन आंवला प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। देखो भारत के अंदर ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें आंवला की उत्पादकता सबसे ज्यादा है? भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें आंवला की उत्पादकता सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी पूछी है? ए है उत्तर प्रदेश, बी है तमिलनाडु, सी है आंध्र प्रदेश और डी है मध्य प्रदेश। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा, क्विकली आंसर कीजिए। यहाँ पे मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत करेंगे। देखो राइट आंसर है बी ऑप्शन, तमिलनाडु। आंवला की जो उत्पादकता है सबसे ज्यादा वो तमिलनाडु है, लेकिन क्षेत्रफल और जो उत्पादन है, एरिया और जो प्रोडक्शन है, वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश का है। आंवला का जो उत्पादन और क्षेत्रफल है वो तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, यानी एरिया और प्रोडक्शन, बट प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है वो तमिलनाडु की है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, लीडिंग स्टेट इन पपाया प्रोडक्शन। पपीता के प्रोडक्शन में लीडिंग स्टेट कौन सा है, यानी पपीता के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। पपीता का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन से राज्य में होता है? ए ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, क्विकली आंसर कीजिए। यहाँ पे देखो राइट आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश है वो उत्पादन पपीता के उत्पादन में पहली पोजिशन पे है, ठीक है ध्यान रखना। नेक्स्ट है लीडिंग स्टेट इन कोरिएंडर प्रोडक्शन, यानी धनिए के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणीय है? ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। जो धनिया है उसके उत्पादन में जो अग्रणीय राज्य है वो कौन सा? ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश और सी ऑप्शन गुजरात और डी ऑप्शन महाराष्ट्र। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, क्विकली आंसर कीजिए और फिर मेरे आंसर के साथ मैच कीजिए। बहुत सिंपल है, एरिया और प्रोडक्शन दोनों के अंदर ही जो फर्स्ट पोजिशन पे है धनिए की वो मध्य प्रदेश है, ए ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, लीडिंग स्टेट इन लूज फ्लावर प्रोडक्शन, यानी जो खुले फूल होते हैं उनके उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। लूज फ्लावर जिनके साथ डंडी नहीं होती, जैसे ये फ्लावर है इसके साथ डंडी है तो ये कट फ्लावर है, जिसके साथ डंडी यानी स्टिक नहीं है वो लूज फ्लावर होता है, जैसे गार्लैंड माला में काम में लेते हैं या भगवान वगैरह को ऑफर करते हैं ना, तो वो जो होता है उसको लूज फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। तो लूज फ्लावर के अंदर अग्रणीय राज्य कौन सा है? ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन तमिलनाडु, सी ऑप्शन गुजरात और डी ऑप्शन महाराष्ट्र। क्विकली आंसर कीजिए, ठीक है आपने जो आंसर किया अब मेरे आंसर के साथ मैच कीजिए। राइट आंसर है बी ऑप्शन तमिलनाडु, राइट आंसर क्या है यहाँ पर तमिलनाडु। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊर्जा वाला फल है, विच फ्रूट हैज मैक्सिमम एनर्जी, कौन से फल में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है? ऑप्शन है ए वॉलनट यानी अखरोट, बी ऑप्शन है बनाना यानी केला और सी ऑप्शन है खजूर यानी डेट पाम और डी ऑप्शन है आलमंड यानी बादाम। सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें है? वैसे सभी एनर्जी वाले फ्रूट है नो डाउट, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें है वो बतानी है आपको। देखो अखरोट है वो वसा का बहुत बढ़िया सोर्स है, केला है ये कार्बोहाइड्रेट का बढ़िया सोर्स है, खजूर है ये भी कार्बोहाइड्रेट का बढ़िया सोर्स है और बादाम है ये वसा का यानी फैट का। तो अखरोट और बादाम तो फैट के अच्छे सोर्स है और डेट पाम और बनाना है ये कार्बोहाइड्रेट के बढ़िया सोर्स है। तो अब इनमें से ज्यादा एनर्जी किसमें होती है वो बताइए आप, ये बताना है आपको फटाफट आंसर कीजिए। देखो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला जो फ्रूट होता है वो अखरोट होता है वॉलनट, है ना, क्योंकि इसमें फैट कंटेंट सबसे ज्यादा होता है। अब इसमें फैट कंटेंट ज्यादा है तो आपको ही पता है फैट के 1 ग्राम मॉलिक्यूल के अंदर 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, 9.3 किलो कैलोरी। तो अखरोट में लगभग 64.5% फैट होती है, आप इसे मल्टीप्लाई कर लो आप देख लो। बनाना इसमें फैट तो नहीं होती कोई विशेष, बट कार्बोहाइड्रेट है वो अच्छा खासा देखने को मिल जाता है ना, 36.4% देखने को मिलता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट में एनर्जी कितनी होती है, 1 ग्राम मोलिक्यूल के अंदर एनर्जी होती है 4 किलो कैलोरी होती है, लेकिन फैट में तो 9.3 किलो कैलोरी है। खजूर भी कार्बोहाइड्रेट का बढ़िया सोर्स है, ताजा खजूर में लगभग 40-42% के आसपास कार्बोहाइड्रेट होता है, बट फैट के कंपेयर में तो एनर्जी कम ही है। हाँ बादाम है ये अच्छा सोर्स है नो डाउट, लेकिन बादाम में अखरोट के मामले में फैट कम होती है, 58.9 होती है, 58.9% के आसपास होती है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला अखरोट,
इन चार ऑप्शन में से अखरोट है वैसे सबसे ज्यादा एनर्जी होती है पिस्ता के अंदर होती है ना, जो पेकन नट होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, तो पेकन नट में सबसे ज्यादा, फिर अखरोट में होती है, फिर बादाम में होती है और फिर काजू में होती है। नेक्स्ट अपने देखें अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है अंगूरों की खेती का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ ग्रेप्स कल्टीवेशन, अंगूरों की खेती का अध्ययन किसमें किया जाता है। देखो यहाँ ए ऑप्शन है हॉर्टिकल्चर, बी ऑप्शन है पोमोलॉजी, सी ऑप्शन है ओइनोलॉजी और डी ऑप्शन है विटीकल्चर। ए ऑप्शन हॉर्टिकल्चर, बी ऑप्शन पोमोलॉजी, सी ऑप्शन ओइनोलॉजी और डी ऑप्शन विटीकल्चर। नो डाउट हॉर्टिकल्चर में अपने ग्रेप्स पढ़ते हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक ग्रेप्स ही नहीं पढ़ते, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं ना। पोमोलॉजी में फ्रूट पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है ग्रेप्स भी पढ़ा जाएगा, लेकिन पर्टिकुलर ग्रेप नहीं, बहुत सारे फ्रूट पढ़े जाएंगे। ओइनोलॉजी के अंदर अपने क्या पढ़ते हैं, अंगूरों से शराब बनाने का, यानी जो वाइन प्रोसेसिंग है उसको पढ़ते हैं अपने सिर्फ। लेकिन यहाँ ग्रेप्स कल्टीवेशन पूछा है, तो अंगूरों की जो खेती होती है वो विटीकल्चर या विनीकल्चर में स्टडी की जाती है उसकी। अंगूरों की खेती का अध्ययन विटीकल्चर या फिर विनीकल्चर एक ही बात है दोनों, तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन। यहाँ विनीकल्चर होता तो भी वही बात थी, विटीकल्चर होती तो भी। तो ओइनोलॉजी और विटीकल्चर में क्या डिफरेंस हुआ, तो ओइनोलॉजी में तो वाइन प्रोसेसिंग की स्टडी की जाती है, ग्रेप से वाइन प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो विटीकल्चर या विनीकल्चर में कल्टीवेशन की भी स्टडी करते हैं प्लस प्रोसेसिंग की भी करते हैं, यानी खेती कैसे करें अंगूरों की वो भी पढ़ेंगे और साथ साथ में प्रोसेसिंग, चाहे उससे किशमिश बन रही है, दाख बन रही है, कुछ भी बन रहा है, सब वाइन बन रही है, सबकी स्टडी की जाती है। तो यहाँ कल्टीवेशन पर्टिकुलर विटीकल्चर या विनीकल्चर में ही पढ़ा जाता है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय वृक्ष है, नेशनल ट्री है, नेशनल ट्रीज, नेशनल ट्री कौन सा है। ए ऑप्शन है फाइकस बेंजामिनिया, बी ऑप्शन है फाइकस बेंगालेंसिस, सी ऑप्शन है फाइकस रिलीजोसा और डी ऑप्शन है फाइकस इलास्टिका। तो इनमें से ऐसा कौन सा पेड़ है जिसको अपने राष्ट्रीय वृक्ष बोले या नेशनल ट्री बोले, भारत के लिए पूछा गया है। फटाफट आंसर कीजिए, फाइकस बेंजामिना, फाइकस बेंगालेंसिस, फाइकस रिलीजोसा और फाइकस इलास्टिका। देखो जो फाइकस रिलीजोसा है ये तो है पीपल, ये अपने इंडिया का रिलीजियस ट्री है यानी धार्मिक पेड़ है, ठीक है। और जो फाइकस बेंगालेंसिस है इसको अपने क्या बोलते हैं, बरगद बोलते हैं यानी बनियान ट्री बोलते हैं, ये अपने इंडिया का नेशनल ट्री है फाइकस बेंगालेंसिस यानी राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, जिसको अपने बुद्धिस्ट वृक्ष भी कहा जाता है, फाइकस बेंजामिना को ना, सॉरी बेंजामिना नहीं, बेंगालेंसिस को यानी बरगद को। तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन, तो राष्ट्रीय वृक्ष है अपना बरगद यानी बनियान ट्री यानी फाइकस बेंगालेंसिस। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्लेगरा रोग कौन से पोषक तत्वों की कमी से होता है। प्लेगरा डिजीज इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट। यहाँ पे विटामिन B5 है, विटामिन B1 है, विटामिन B2 है और विटामिन B3 है। तो कौन से तत्व की कमी से यहां पर आपको प्लेगरा डिजीज देखने को मिलेगा। प्लेगरा डिजीज इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट, कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी यानी कमी से देखने को मिलता है। अब देखो B1 और B2 की कमी से तो देखने को नहीं मिलता, B5 की कमी से भी देखने को मिलता है और B3 की भी कमी से देखने को मिलता है, बट आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो फिर आप राइट आंसर क्या देंगे। अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप राइट आंसर क्या देंगे। मेनली जो प्लेगरा होता है वो विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से होता है, तो यानी यहाँ पे जो ऑप्शन राइट है वो डी ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है, विटामिन B3 की। लेकिन अगर विटामिन B5 ए ऑप्शन होता, बी विटामिन B3 होता, सी होता बोथ यानी दोनों, तब दोनों। मेन जो इफेक्ट रहता है वो विटामिन B3 का, लेकिन कुछ B5 का भी रहता है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, B3 करोगे। अगर उपरोक्त दोनों होता B5 और B3 के तो उपरोक्त दोनों करते आप। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक है, फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर इज। भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है लिबर्टी हेडेबली, बी ऑप्शन है डी कैंडोली, सी ऑप्शन है MH मोरीगावड़ा और डी ऑप्शन है वेवेलियो। तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक कौन है जी। यहाँ पे ए ऑप्शन लिबर्टी हेडेबली, बी ऑप्शन डी कैंडोली, सी ऑप्शन MH मोरीगावड़ा और डी ऑप्शन वेवेलियो। तो राइट ऑप्शन जो है वो है आपका यहाँ पे MH मोरीगावड़ा, सी ऑप्शन राइट है। भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक है वो तो है MH मोरीगावड़ा, और वैश्विक स्तर पर अगर वर्ल्ड लेवल पे देखें तो लिबर्टी हेडेबली है, और फादर ऑफ सिस्टमेटिक पोमोलॉजी है वो डी कैंडोली है, और उत्पत्ति के जो केंद्र है यानी सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो वेवेलियो ने दिए। तो ये चार साइंटिस्ट के मैंने जो काम है वो भी आपको बता दिए, बट भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक MH मोरीगावड़ा है।
नेक्स्ट यहाँ पे है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन सब्जियों का सेवन करना चाहिए। आईसीआर की रिकमेंडेशन क्या है, पर कैपिटा पर डे वेजिटेबल रिक्वायरमेंट से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी सब्जी खानी चाहिए। ए ऑप्शन है 85 ग्राम, बी ऑप्शन है 125 ग्राम, सी ऑप्शन है 100 ग्राम और डी ऑप्शन है 300 ग्राम। तो यहाँ पे कौन सा राइट होगा, ए ऑप्शन 85 ग्राम, बी ऑप्शन 125 ग्राम, सी ऑप्शन है वो 100 ग्राम और डी ऑप्शन है वो 300 ग्राम। फटाफट आंसर कीजिए। देखो लगभग हमें 125 ग्राम तो खानी चाहिए हरे पत्ते वाली सब्जियां, यानी लीफी वेजिटेबल। 100 ग्राम जो है 100 ग्राम है वो ट्यूबर और रूट क्रॉप खानी चाहिए, और 75 ग्राम है जो बच गई वो खानी चाहिए। तो टोटल कितनी हुई यहाँ पे, 300 ग्राम हुई। तो राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा राइट। यहाँ पे 300 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को सब्जियों का सेवन करना चाहिए, ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिकमेंडेशन है, यानी वो कहते हैं इतना खाना चाहिए तब आप जाके स्वस्थ रहोगे। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन है सर्वाधिक वसा की मात्रा कौन से फल में पाई जाती है, विच वन इज रिच सोर्स ऑफ फैट, सबसे ज्यादा वसा किसमें होती है। ए ऑप्शन है यहाँ पे अखरोट यानी वॉलनट, बी ऑप्शन है पेकन नट यानी पिस्ता, सी ऑप्शन है एवोकाडो और डी ऑप्शन है केसव नट यानी काजू। तो वैसे तो मैंने पीछे आपको बता दिया था, अगर आपको याद है तो आप क्विकली आंसर कर देंगे, नहीं आपने पीछे वाली गौर की तो फिर नहीं कर पाएंगे। देखो मैं बताता हूँ राइट आंसर, आपने आंसर दे दिया होगा, अब मेरे आंसर के साथ आप मैच कर लेना। पेकन नट में सबसे ज्यादा फैट होती है, फर्स्ट नंबर पे यही होता है 70% के आसपास। दूसरे नंबर पे अखरोट में होती है लगभग इसमें 64.5 होती है, उसके बाद बादाम में होती है, उसके बाद काजू में होती है, और ताजा फलों में एवोकाडो में अच्छी खासी होती है, इसलिए एवोकाडो को तो बटर फ्रूट कहते हैं ना। तो यहाँ राइट ऑप्शन था आपका 17वें का बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है 18वां नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक लोहा तत्वों की मात्रा कौन से फल में पाई जाती है, विच वन इज रिच सोर्स ऑफ द आयरन। ए ऑप्शन है करोंदा, बी ऑप्शन है लीची, सी ऑप्शन है मैंगो और डी ऑप्शन है डेट पाम। ए ऑप्शन करोंदा, बी ऑप्शन लीची, सी ऑप्शन मैंगो और डी ऑप्शन खजूर यानी डेट पाम। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो सबसे ज्यादा जो आयरन पाया जाता है, आपने आंसर दे दिया होगा, मेरे आंसर से आप मैच कर लेना, ए ऑप्शन है करोंदा। जो ड्राई करोंदा होता है उसमें 39% के आसपास आयरन होता है, 39.1% यानी 39% ही मान के चलो राउंड फिगर में, तो सबसे ज्यादा आयरन करोंदा में होता है। उसके बाद ड्राई डेट पाम यानी सूखे खजूर में होता है 10.6, दूसरे नंबर पे खजूर आता है। तो ए ऑप्शन राइट है। और वैसे सब्जियों में हरे पत्ते वाली सब्जियों में आयरन बहुत होता है, जैसे सबसे ज्यादा आपको चौलाई के अंदर, अकेती के अंदर, पालक के अंदर खूब देखने को मिलता है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, सब्जियों में कौन से तत्वों की कमी पाई जाती है, वेजिटेबल इज पुअर सोर्स ऑफ, सब्जियों में कौन से तत्वों की कमी है। ए ऑप्शन जी विटामिन की कमी है, बी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट की कमी है, सी ऑप्शन वसा की कमी है और डी ऑप्शन प्रोटीन की कमी है। सब्जियों में इनमें से कौन से तत्वों की कमी पाई जाती है, यानी वेजिटेबल किसका पुअर सोर्स है, किसका कमजोर स्रोत है। ए ऑप्शन विटामिन, बी ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, सी ऑप्शन वसा और डी ऑप्शन प्रोटीन। वसा बोले तो फैट। देखो सब्जियों में फैट न के बराबर होती है, थोड़ी बहुत आलू में होती है, बाकी में तो न के बराबर, हरे पत्ते वाली सब्जियों में तो जीरो ही होती है। तो सी ऑप्शन राइट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया जाता है, सब्जियां किसका कमजोर स्रोत है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, बारबंडस चेरी में विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन सी फाउंड इन बारबंडस चेरीज। आपको पता है विटामिन सी सबसे ज्यादा जो होता है वो बारबंडस चेरी में होता है, तो वो है कितना। ए ऑप्शन है यहाँ पे 600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, बी ऑप्शन है 1400 से 1600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, सी ऑप्शन है 299 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम और डी ऑप्शन है 150 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। तो बारबंडस चेरी वो फल है जिसमें सबसे ज्यादा विटामिन सी होती है, लेकिन होती कितनी है जी बताइए, फटाफट आंसर कीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे है, बी ऑप्शन है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है, 1400 से 1600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम विटामिन सी देखने को मिलती है बारबंडस चेरी में। दूसरा सबसे ज्यादा विटामिन का अच्छा स्रोत है, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा विटामिन सी होती है आंवला में 600 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। तीसरे नंबर पे अमरूद होता है जिसमें होती है 299 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। उसके बाद जो सिट्रस फ्रूट होते हैं यानी जो नींबू वर्गीय फल होते हैं उनमें 150 से 170 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम के आसपास होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, पोमोलॉजी इज वर्ड डेराइव फ्रॉम। ए ऑप्शन है ग्रीक, बी ऑप्शन है लैटिन, सी ऑप्शन है स्पेनिश और डी ऑप्शन है फ्रेंच।
अब देखो जिन शब्दों के पीछे वाई लगा होता है वो ग्रीक वर्ड होते हैं, ये आपको ध्यान, मैंने आपको ट्रिक बताई थी लेक्चर के अंदर, ट्रिक बताई थी, इसमें भी वाई लगा हुआ है तो अब इसको ग्रीक में रखें या नहीं रखें। जब मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जिनमें कल्चर लगा हुआ है वो लेटिन के हैं, जिनमें वाई लगा है वो ग्रीक के हैं, लेकिन वहां मैंने दो असेप्शन बताए थे, दो अपवाद बताए थे, कल्चर लेटिन के होते हैं लेकिन लेक कल्चर में ध्यान रखना आपको, वो अपवाद था। और इधर मैंने बताया था जिनमें पीछे वाई लगा हुआ है वो ग्रीक वर्ड होते हैं, बट पोमोलॉजी में आपको ध्यान रखना था, तो ये यहाँ पे पोमोलॉजी आ गया जी अपना। देखो पहले तो मैं बताऊं, इस तरह का अगर क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आया हुआ इसलिए मैंने दिया है, तब राइट आंसर करोगे आप लेटिन करोगे, लेकिन क्वेश्चन और तरह से भी आ सकता है। देखो पोमोलॉजी जो शब्द बना हुआ है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो है अपना पोमम और दूसरा है लोगस, एक है पोमम और दूसरा अपना कौन सा है लोगस। पोमम जो वर्ड है वो लेटिन का है, ये अपवाद है, बाकी तो वाई लगे हैं, वो आंख बंद करके कर देना ग्रीक। जो पोमम है वो तो बना हुआ है लेटिन से, और जो लोगस बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, ग्रीक से बना हुआ है, ये लोगस वाला ग्रीक से बना हुआ है, ठीक है। तो यहां पे अब ये दोनों से ही बना हुआ है, फिर हमने लेटिन क्यों राइट माना। पोमम का मतलब होता है फ्रूट और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी, यानी अध्ययन करना। किसका अध्ययन कर रहे हैं, फलों का। तो पोमम मुख्य अर्थ दे रहा है या फिर लोगस मुख्य दे रहा है, अध्ययन करना तो सामान्य बात है, जैसे मैं बात करूं पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जूलॉजी, पेडोलॉजी, एडपोलॉजी, लॉजी तो सब में लगा हुआ है ना, तो लॉजी तो एक सामान्य शब्द है, बट अब स्टडी हो किसकी रही है वो मुख्य अर्थ है। तो अब यहां मुख्य अर्थ लेटिन दे रहा है, इसलिए अपने लेटिन में काउंट करेंगे। लेकिन यहां सी ऑप्शन होता अपना ए एंड बी बोथ, ए और बी दोनों ही होते हैं, यानी ए और बी दोनों सही है, अगर तीसरा ऑप्शन ऐसा होता तब हम तीसरा ऑप्शन सही करते हैं, बट जैसा मैंने क्वेश्चन दिया वैसा अगर एग्जाम में आ गया तो आपको लेटिन राइट करना है। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, कल्प वृक्ष कहते हैं, कल्प वृक्षा इज, कल्प वृक्ष किसको कहेंगे आप, खेजड़ी को कहेंगे, नारियल यानी कोकोनट को कहेंगे, रोइडा को कहेंगे या रबर को कहेंगे। ए ऑप्शन है खेजड़ी, बी ऑप्शन है नारियल, सी ऑप्शन है रोइडा और डी ऑप्शन है रबर। किसको आप कल्प वृक्ष का दर्जा देंगे बताइए। देखो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन राइट है, नारियल यानी कोकोनट को अपने कल्प वृक्ष कहते हैं, कल्प वृक्ष का मतलब होता है सभी इच्छाएं पूरी करने वाला। बाकी राजस्थान का कल्प वृक्ष है वो खेजड़ी को कहते हैं, बाकी सीधा कल्प वृक्ष पूछ ले तो कोकोनट यानी नारियल है। तो ये यहाँ पे अपने आज की क्विज में इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी जो नेक्स्ट क्विज है उसमें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।